पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग नील, क्या लगता है तुम्हें वो लोग इन्वेस्ट करेंगे? मतलब मेरी प्रेजेंटेशन तो ठीक लगी होगी ना उन्हें? प्रेजेंटेशन सच में बहुत अच्छी थी, पर प्रॉब्लम वो नहीं, प्रॉब्लम ये है, ये सब ना ओल्ड स्कूल टाइप है, तो क्या डिसाइड करेंगे कोई आइडिया नहीं है। दादा बाबू की भतीजी है, धंधा पानी का समझ है, इसमें पैसा नहीं डूबेगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में वर्कआउट कर लेते हैं और युविका जी को बता देते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं। अरे सेठ जी, इन्वेस्टमेंट करने का तो सोचना भी मत, कोई अंधा ही होगा जो इस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, ना ब्याज मिलेगा ना मुनाफा। ये क्या कह रहे हो भाई? हाँ हाँ, आ रहे ना आपकी सेवा में, सब बताते हैं। पी लीजिए सेठ जी, गरम गरम कॉफी, दिमाग खुल जाएगा आपका। आप भी लीजिए, आप भी लीजिए। सफाई कर्मचारी, अब क्या तुम हमें बिजनेस सिखाओगे? नहीं नहीं सेठ जी, कैसे बात है, पहले ही फाइल देखी है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हेलो दादा बाबू, मैं बस आपको ही फोन करने वाली थी। मैंने इन्वेस्टर्स को अच्छे से अपना प्रपोजल समझा दिया है, बस अब वो लोग आपस में डिस्कस करेंगे और अपना डिसीजन बताएंगे। वो लोग हाँ कहेंगे दादा बाबू, बस उनसे बात होते ही मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। श्री कृष्णम शरणम ममः। अरे सेठ जी, आप उधर से कहाँ देख रहे हैं? ये देखिए, गौर से देखिए। अरे ये में वो बिजनेस का पूरा प्लान है, पूरा डिजाइन है, वो कपड़ा कहाँ कटेगा, कहाँ झूलेगा, कहाँ सिलेगा, कहाँ बिकेगा, कहाँ मार्केटिंग होगी, सब कुछ लिखा है इसमें। अरे सेठ जी, आप लोग ही बताइए, आप लोग समझदार हैं। जब युविका जी अपना ब्रांड का वो डिजाइन का लॉन्च करने आएगी तो कम से कम 12-8 कंपनी तो ये डिजाइन को पहले से ही लॉन्च कर चुकी होगी। अरे युविका मैडम का कहा है, पैसा आप लोगों का है। अब ब्रांड अगर मार्केट में पहले से आ गया तो आपका ब्रांड हो जाएगा बासी और आपका पैसा चढ़ जाएगा बासी। अब सेठ जी, हमको जाना है, पूरे ऑफिस को कॉफी पिलाना है, सफाई करनी है। आप लोग हमको बहुत भले लोग लगे। अरे आपका मेहनत का पैसा है, कहीं चोरी करके तो ना लाए हैं? पैसा ऐसी जगह लगाइए जहाँ पैसा बढ़े। जो लड़की अपनी फाइल नहीं संभाल पा रही वो कंपनी क्या संभालेगी? अब आप लोग ही सोचिए, आपको पुराने रिश्ते निभाने हैं या अपने पैसे बचाने। स्मॉल माउथ बिग टॉक। तो क्या अपडेट है? हाँ मैडम जी, वो पंडित जी से पूछा है, उन्होंने बोला कि अभी एक हफ्ता और है उस कर्मकांड में, तब तक सब पता लगा लूंगा। अपने आदमी लगा दिए मैंने, भूमि जी की जन्म भूमि, कर्म भूमि, सबका कच्चा चिट्ठा, बहुत जल्दी आपको हैंडओवर करूंगा। थैंक यू। जब जब गार्गी भाभी आपने कुछ छुपाकर प्लानिंग की है, उसका अंजाम मेरे बच्चों पर पड़ा है। हम कई बार धोखा खा चुके हैं, लेकिन इस बार मैं आपका प्लान जान कर रहूंगी, क्योंकि अब मैं कोई भी खतरा अपने बच्चों पर नहीं आने दूंगी। युविका तो प्रेम और भूमि की फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड है, ये मरा हुआ बच्चा कब हुआ? ऋषिकेश में?
हाँ, ये प्रेम का बच्चा है तो उसमें छुपाने की क्या बात है? ये बात इसके बच्चों को भी नहीं मालूम। क्या ये बच्चा प्रेम का नहीं है? So darling Bhoomi, Gargi से कोई भी सीक्रेट छुपाना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों ने क्या डिसाइड किया? हमने आपस में डिस्कशन करके ये फैसला लिया है कि हम आपके प्रोजेक्ट के ऊपर पैसे नहीं लगाएंगे। लेकिन क्यों सर? मैंने आप लोगों को बताया कि ये प्रोजेक्ट मॉडल जो है वो गारंटेड प्रॉफिट देगा। मैंने सब कुछ डिटेल्स में समझाया आप लोगों को, तो फिर ना बोलने की वजह? आपने बताया, हमने सुना और समझा। आपके प्रोजेक्ट में बम्पर लॉटरी जैसा कोई मुनाफा नहीं है। जब तक आपका माल बाजार में आएगा, इस बात की क्या गारंटी है कि दूसरे ब्रांड के सेम डिजाइन के कपड़े तब तक मार्केट में ना आए? रेडीमेड बिजनेस के लिए सबसे जरूरी चीज होती है टाइमिंग, मिस महाजन। मेरा कहना मानिए और आप अपने प्रोजेक्ट को बंद कर दीजिए। नहीं नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, हमारे जो डिजाइन्स हैं वो बिल्कुल यूनिक है। देखिए, मैं आप लोगों को फिर से समझाती हूँ। सॉरी मिस महाजन, हमारा फैसला फाइनल है। एक्सक्यूज मी, चलिए जगाना जी। चलो गिरधारी भाई। अमला भाई, आपका क्या विचार है? तुम लोग चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तीर कमान से और बात जुबान से निकलने के बाद वापस नहीं आती मैडम। ये लोग जो अभी यहाँ से गए हैं ना, वो अब यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन मैं थोड़ा अलग आदमी हूँ। आप यहाँ? एक दोस्त के घर भूमि पूजन है, वही बात कर रहा था। हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ। वैसे आप मुझे देखकर इतने सरप्राइज क्यों हो गए? नहीं नहीं मैडम, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप बिजनेस फैमिली के बड़े लोग हैं, आपको यहाँ देखकर मैं शॉक्ड हूँ। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आप यहाँ आ जाएंगी। कहाँ था तो आप मुझे बुला लेती। आपने तकलीफ क्यों की? हाँ हाँ, आप महाजन हाउस तो आते ही रहते हैं। जब गार्गी भाभी अपना क्रेडिट कार्ड भूल आई थी तो कौन सा कैफे बताया था आपने? हाँ, कैफे एंड मोर। तब आप ही तो क्रेडिट कार्ड देने आए थे। आपको किससे मिलना है? मिसेस गार्गी महाजन से। क्रेडिट कार्ड हमारे कैफे में भूल गई थी। कौन सा कैफे? कैफे एंड मोर, लाजपत नगर। थैंक यू। इसीलिए आप हमारी कंप्लेन लिखने भी हमारे घर तक तो आ ही सकते हैं। आपको शायद कुछ गलतफहमी हुई है। कौन सा क्रेडिट कार्ड, कौन सा कैफे, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मेरा सरनेम वीआईपी खानदान का भले ही है, लेकिन मेरा नाम जमीन से जुड़ा हुआ है। मैं अपने काम खुद करना जानती हूँ, इसीलिए खुद चलकर रिपोर्ट लिखवाने आई।
अब मेरी कंप्लेन लिखिए। आप बताइए मैडम, क्या कंप्लेन लिखानी है आपको? स्टॉकिंग का केस है, कोई मुझे फॉलो कर रहा है, मुझ पर नजर रख रहा है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।